टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है? फरवरी वादा देख रहे हैं 6350 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और हाजिर में की बात करें तो हाजिर में जो कीमतें हैं वो आर फ्यूचर से ज्यादा देखने को मिल रही है, और यूएस सोयाबीन में भी गिरावट आई है, ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सोयाबीन और एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मंदी का देखा जा सकता है, क्योंकि इस बार देखें तो जो सरसों की फसल है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। हमने भी रिसेंटली डेटा देखे कि वहाँ पे सरसों की जो बिजाई है वो बढ़ी है, एकरेज जो है वो बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एकरेज और रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पर्टिकुलर सोयाबीन भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिसने तेजी देखी थी वो यहाँ पे रुकती हुई दिखाई देगी और आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि अगर हम लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के भावों में आपको आने वाले दिनों में 5-10% की गिरावट और देखी जा सकती है। नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव करीबन 6000 तक के लेवल को छू सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन में जो भाव है नीचे 6000 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। अभी यहाँ से जो बाजार है 6200, उसके बाद फिर नीचे में 6000 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।